हिंदुस्तान की जनता इस सच्चाई को जानती है। भारत माता की, आपका प्यार। कांग्रेस पार्टी गरीबों का काम करती है। बस कुछ घंटे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मजबूत सरकार बनने के संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस कुछ घंटे और खत्म हो जाएगा इंतजार। कांग्रेस पार्टी कहती है कि सबको छोड़ना है, सबको एक साथ साथ ले जाना है। किसे मिलेगा सिंहासन, किसे बर्बाद। एग्जिट पोल जो आए हैं उससे भी ज्यादा बेहतर नतीजे आएंगे। बस कुछ घंटे में तस्वीर हो जाएगी साफ। देश के लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। हमारी इच्छा है कि यूपीए तृतीय बने। क्या होगा देश की जनता का फैसला। जो भी पब्लिक का डिसीजन है, जो निर्णय है, उस वर्डिक्ट को मानना चाहिए। सियासी दलों की अटकी है जुबान, नेताओं की बोलती है बंद, क्योंकि हारी है आज की रात। जी हाँ, भारी है आज की रात, या फिर कहें कि आज रत जगा है। हर बीतते पल के साथ नेताओं के दिलों की धड़कनें तेज होंगी और बेचैनी इस सवाल को लेकर कि कल वोटों की गिनती में आखिरकार होगा क्या। इन नेताओं के लिए बरसों की मेहनत और किस्मत का फैसला सिर्फ एक झटके में होगा। ऐसे में उनकी सांसें अटकी हैं कि रिजल्ट में पास होंगे या फिर फेल। शोर थम चुका है, जनता अपना फैसला सुना चुकी है। नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। किसे सत्ता मिलनी है और किसे वनवास, तय हो चुका है। लेकिन रिजल्ट कल डिक्लेयर होना है, इसलिए सबकी सांसें थमी है। सबको इंतजार है जनता का फैसला सुनाने का। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए सत्ता में आ रही है और यूपीए की हालत पतली है। तीसरा मोर्चा भी सत्ता से दूर ही नजर आ रहा है। लेकिन एग्जिट पोल तो आखिर एग्जिट पोल होता है, सच कल सामने आएगा। और सच सामने आने से पहले बहुत कुछ बोला नहीं जा सकता। इसे समझने के लिए खुद बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के उन शब्दों को सुनिए जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के समय जी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहे थे। भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, एनडीए बहुत भारी बहुमत से विजयी हो, उस काम में मैं लगा हूं। 16 मई तक मेरे पास वो जिम्मेवारी है। 16 मई तक मैं उसी में खपा हुआ हूं और इसलिए वन पॉइंट प्रोग्राम है, वन मिशन है, उसी में लगा। मतलब मोदी और उनकी पार्टी भले ही सत्ता के करीब अपने को पा रही है, लेकिन सत्ता मिलेगी इसका फैसला तो 16 मई को ही होगा। इसीलिए चुनाव कैंपेन के समय से ही पार्टी एनडीए में दूसरे दलों को शामिल करने के रास्ते खोलती नजर आ रही है। वो भी तब जब पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद है। 16 तारीख की दोपहर को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए 300 के आसपास सीट जीतकर देश में सरकार बनाने जा रहा है और इसके प्रधानमंत्री होंगे श्री नरेंद्र मोदी। एनडीए को तो उम्मीदें भी हैं, मगर कांग्रेस हिम्मत हारती नजर आ रही है। आखिरी वोट पड़ने के बाद राहुल गांधी विदेश चले गए और संकेत है कि आखिरी वोट की गिनती के बाद ही भारत लौटेंगे। अब ऐसे में कांग्रेस राहुल पर तो चुप्पी साधे है, मगर बीजेपी पर हमला बोल रही है। पोजीशन पूछना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी नहीं है प्राइम मिनिस्टर के डिनर में, सोनिया जी ने। अरे यार साहब, आज प्रधानमंत्री जी का हम लोग ने, सोनिया जी ने उनको डिनर दिया था,
उसके बारे में एक आज एक बहुत उनके लिए जो उन्होंने इस देश के लिए किया उसकी बातें करनी चाहिए। इसमें भी राजनीति लाने की बात करना मैं समझ सकता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज कैबिनेट को लेकर आपस में झगड़ा हो रहा है, अभी तो एक दिन का वक्त बाकी है और पिछले तीन दिन से ये कार्रवाई चल रही है। मेरा ख्याल है कि 16 तक इंतजार करना चाहिए था, सत्ता की इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। तो इंतजार है बस आज की रात कटने का, हमको आपको सबको, लेकिन सबसे ज्यादा सियासी दलों को और उनके नेताओं को। अभिरूप सिंह तड़ागी, जी मीडिया। तो जनता का फैसला कल सुनाया जाएगा, नेताओं की किस्मत का फैसला कल होगा, किसकी किस्मत बनी किसकी बिगड़ी ये तो बहुत पहले तय हो चुका है, लेकिन क्या पता अपने आराध्य देव से मन्नतें मांगने और दुआएं करने से नतीजों में कुछ फर्क आ जाए। शायद इसी सोच के साथ साईं बाबा के दरबार में नेताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, चादरें चढ़ाई जा रही हैं और मत्था भी टेका जा रहा है। आप खुद देखिए। नेता नंबर एक, नेता नंबर दो, नेता नंबर तीन और नेता नंबर चार। शिरडी के साईं बाबा के दरबार में नेताओं की लाइन लगी है। एक दिन में कई कई पार्टियों के नेता यहां मत्था टेकने आ रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे अपने पूरे परिवार के साथ यहां पहुंचे, फूल मालाएं चढ़ाई और आशीर्वाद दिया। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी शिरडी दरबार में पहुंचे। शायद प्रफुल्ल पटेल को बाबा के आशीर्वाद की ज्यादा जरूरत है, इसीलिए फूल भी चढ़ाए, चादर भी चढ़ाई और मत्था भी टेका। पर हम साईं बाबा के दर्शन जब करते हैं तो श्रद्धा सबूरी का हम मंत्र लेकर जाते हैं, तो कल तक देशवासियों ने भी श्रद्धा रखनी चाहिए, सबूरी रखनी चाहिए कि क्या होने वाला है। देश के लोगों का जो भी वहां पर रिजल्ट आएगा उसका हमको सबको मिलकर सम्मान करना है, यही लोकशाही की सबसे बड़ी ताकत है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा को भी शायद नींद नहीं आ रही है, इसीलिए भागे भागे साईं के दरबार में पहुंच गए हैं। वैसे भी एग्जिट पोल पर भरोसा करें तो देवगौड़ा को साईं के आशीर्वाद की कहीं ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कर्नाटक में JDS की हालत बेहद पतली है। पूनम महाजन, बीजेपी के कद्दावर नेता प्रमोद महाजन की बेटी, बीजेपी के टिकट पर पहली बार मुंबई में चुनाव लड़ रही हैं और वो भी प्रिया दत्त के खिलाफ। अब बाबा का कितना आशीर्वाद मिलता है पता नहीं, लेकिन मुंबई की जनता ने फैसला सुना दिया है। मैडम कितनी कामयाब होती हैं, कल सब कुछ सामने होगा। तो ये थी देश के चार छोटे बड़े नेताओं की तस्वीरें और वोटों की गिनती के समय नजदीक आने के साथ पल पल बढ़ती दिल की धड़कनों का एहसास, जिसे सुना तो नहीं जा सकता लेकिन चेहरे से पढ़ा जरूर जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।